हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटर की क्लासों के लिए टेस्ट सीरीज का आरंभ कर रहे हैं, जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दी जाएगी, जिसमें बायोलॉजी में पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में जनन। इसका पहला क्वेश्चन है निषेचन क्या है। तो निषेचन नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में नर युग्मक के केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक का आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी। दूसरा क्वेश्चन है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो एक मादा केंद्रक का निषेचन हो जाने के पश्चात दोबारा नर युग्मक द्वारा निषेचन होने की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवासीन ने 1898 में की। दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं, जिसमें 2 केंद्रक नर के और 3 मादा केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता की खोज किसने की। तो बहुभ्रूणता की सबसे पहले परिभाषा, एक बीज से जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज 1719 में एंटीनो वान लीवेनहॉक ने की। फिर परागण क्या है। तो पुंकेसर के परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर है स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर या दूसरी डाली पर स्थित पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसको नहीं आप पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए किसी न किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, और वो आपका वायु हो सकता है, जल हो सकती है, और मनुष्य हो सकता है, कीट हो सकता है। इस तरह से आपके नहीं पर परागण के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। फिर असत्य फल क्या है या किसे कहते हैं। तो वे फल जिनका निर्माण अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग से होता है उसे असत्य फल कहते हैं। परागण में बीजन में परागण जो परागकण का बीजन में प्रवेश कितने प्रकार से होता है। तो ये आपका 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 निभागी प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रवेश, और तीसरा है आपका बीजांड द्वारी प्रदेश। इस तरह से ये 3 स्थानों से परागकण बीजांड में प्रवेश करते हैं। फिर लैंगिक जनन क्या है। जब पुंकेसर के परागकण और स्त्री केसर के का अंडाशय भाग लेता है और जिसके निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है तो उसे आप लैंगिक जनन कहते हैं। और जब पुष्प के जड़ तना या पत्ती या किसी भी स्थान से नहीं नए पौधे का जन्म होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप के या लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको घर के लिए दे रहे हैं, जैसे आप कीजिए। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज द्वारा बता देना, तभी हम आपको उसके उससे संबंधित कोई नई वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपका है सबसे पहला बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र है। बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन है।
दूसरा है सत्य फल और असत्य फल में अंतर क्या है। अंतर लिखिए। तीसरा लैंगिक चलन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। नेक्स्ट है आपका चौथा कि बीजांड का स्फुटन किस प्रकार होता है या पराग कणों का पराग कोष का स्फुटन किस प्रकार होता है। पांचवा आपका दोहरा निषेचन पांचवा जो है वो है अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है। छठा क्वेश्चन है स्वपरागण तथा परपरागण से क्या हानियां हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका स्त्री केसर का नामांकित चित्र का सचित्र वर्णन स्त्री के सके नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। आठवां है परागणों का अंकुरण किस प्रकार होता है। ये आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं बोर्ड में, आपके परीक्षा में मदद कर सकते हैं। आप इनको हल कीजिए। यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता दीजिए, हम आपको और सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।